रुपए लोन लेने की इच्छा आप लोग रखते हैं। एम्प्लॉयमेंट टाइप, जैसे नौकरी पेशा है तो सैलरी, अगर खुद का कोई बिजनेस है या फिर दुकानदार है तो सेल्फ एम्प्लॉयड, और कितने रुपए आपकी मंथली सैलरी आती है वो बताना है। इसके बाद आपको आगे बढ़ना है और यहाँ पे आपको जो भी और बेसिक डिटेल जैसे जेंडर, पैन कार्ड का नंबर, पिन कोड, पर्सनल ईमेल आईडी बता। तो वेलकम गाइस, लोन पाव यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ आप लोगों का। और आज की वीडियो में आज मैं एक ऐसे लोन एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जो इंस्टेंट पर्सनल लोन देने का काम करती है, जो आपको बड़ी ही आसानी से इंस्टेंटली लोन दे देगी और बहुत ही लंबे समय से, कह सकते हो काफी बढ़िया एप्लीकेशन है, काफी लॉन्गर टाइम से काम कर रही है, तो आपको ये लोन दे सकती है। ये नई एप्लीकेशन में इसको मैं काउंट नहीं करता, क्योंकि आज के डेट में जो बहुत ज्यादा नए एप्लीकेशन आ रहे हैं वो कब आ रहे हैं, कब चले जा रहे हैं पता ही नहीं चलता। तो इस वीडियो को अंत तक देखना। अगर आपको सिंपल प्रोसेस में लोन लेना है, सिंपल केवाईसी कंप्लीट करके लोन लेना है, सिंपल तरीके से जिसमें आपका ज्यादा लंबे समय के लिए लोन मिले, बहुत अच्छा खासा अमाउंट का लोन मिले और ब्याज भी अफोर्डेबल हो, ज्यादा ब्याज ज्यादा हैवी चल जाएगा तो फिर लोग लोन ले ही नहीं पाएंगे। अगर ऐसे दिक्कतों से बचना चाहते हो तो फिर पूरी वीडियो को देखना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने के साथ में बिना स्किप के वीडियो को अंत तक देखिए। सबसे पहले हम उस लोन ऐप से आपको लोन लेके दिखा देंगे और जितना ज्यादा हो सकता है हमारे एंड से पॉसिबल कि हम आपको मोस्टली प्रोसेस कंप्लीट करके दिखाएं। उसके बाद की जो चीजें नहीं भी हो पाएंगी वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। एंड फाइनली उस एप्लीकेशन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी और फिर उस एप्लीकेशन को आप लोग अपने फोन में पाओगे कैसे, इसके बारे में भी बात करेंगे। जिस एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं वो आपके सामने खुल चुकी है। एप्लीकेशन के ओपन होने के साथ में आप यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके आपको सीधा वहां तक पहुंचना पड़ेगा। इसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी देना होगा और मोबाइल नंबर, ताकि वेरिफिकेशन वीडियो ओटीपी कंप्लीट हो सके। एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का ओटीपी वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा, वो कंप्लीट करके आपको नीचे जाना है और यहाँ पे आपको टिक बॉक्स पे क्लिक करके आई अग्री बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जब कुछ इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा तो लोन्स का सेगमेंट मिलेगा। लोन्स के सेगमेंट पे आपको जाना होगा और यहाँ पे आपको सबसे पहले कुछ बेसिक डिटेल्स जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, कितने रुपए लोन लेने की इच्छा आप लोग रखते हैं, एम्प्लॉयमेंट टाइप जैसे नौकरी पेशा है तो सैलरी, अगर खुद का कोई बिजनेस है या फिर दुकानदार है तो सेल्फ एम्प्लॉयड, और कितने रुपए आपकी मंथली सैलरी आती है वो बताना है। इसके बाद आपको आगे बढ़ना है और यहाँ पे आपको जो भी और बेसिक डिटेल जैसे जेंडर, पैन कार्ड का नंबर, पिन कोड, पर्सनल ईमेल आईडी बताकर गेट ऑफर्स पे क्लिक करना है। ब्यूरो ओटीपी कंप्लीट करने के साथ ही कुछ डिटेल्स देने के साथ आपका नाम और आपको कितने रुपए का मैक्सिमम लोन ऑफर मिला है ये भी शो कर जाएगा। मिनिमम टू मैक्सिमम रेंज में यहाँ पे कम ज्यादा करके लोन अमाउंट यहाँ पे आपको चूज करना होगा और यहाँ पे ईएमआई प्लान्स दिख जाएंगे, जो कि आप जितने समय के लिए लोन लोगे उसमें उसका हर महीने का ईएमआई कितना बनेगा और क्या ब्याज वगैरह होगा, शायद वो भी दिख जाएगा। तो आपको सिंपली चूज करके कंफर्म एंड प्रोसीड पे आना है। सबसे पहले कुछ और बेसिक जानकारी जैसे कि मदर्स नेम, कितने रुपए इसका यूज कहाँ करने वाले हो, रेजिडेंस है, खुद का घर है या रेंट पे रहते हो, रेजिडेंस, पिन कोड बताना है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, फ्लैट नंबर, हाउस नंबर, ये सारी चीज बताने के बाद आपको आगे बढ़ना है। और यहाँ पे आप जिस कंपनी में काम करते हो, क्योंकि हमने नौकरी पेशा चूज किया था तो कंपनी का पूरा नाम, कंपनी की ईमेल आईडी, कंपनी का फुल जहां पे ऑफिस लोकेटेड है वहां का एड्रेस, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, फ्लोर नंबर, बिल्डिंग, ये एरिया, स्ट्रीट, ये सब बता के आपको आगे बढ़ना है। अब आपको देनी पड़ेगी अपनी सुंदर मुंदर सेल्फी, जहां पे आपको पता है कि भाई टोपी, चश्मा, माजे जैसी चीजें मत लगाना, लाइट्स अच्छी खासी होनी चाहिए, और ये सब चीज बता के आपको अपनी बैंक डिटेल्स को भी कंप्लीटली बताना पड़ेगा, जिसमें आपको अपना बैंक बताना है, अकाउंट टाइप जैसे कि सेविंग्स है या करंट है वो बताना है, अकाउंट नंबर दो बार बता के, आईएफएससी कोड बता के वेरीफाई अकाउंट कर लेना है, शायद 1 रुपए डिपोजिट आई थिंक हो सकता है, या फिर देख लेना कैसे वेरीफाई करते हैं। इसके बाद क्या प्रोसेस कंप्लीट कर लेना, जिसके अंदर मुझे लगता है आधार, केवाईसी एंड मैनी मोर थिंग्स होगी और सीधा लोन प्रोसेस करके दिया जा सकता है। इसके अंदर कुछ चीजें हो सकती है, मुझे लगता है आगे की प्रोसेस में आपको कंप्लीट करनी पड़ सकती है, इफ रिक्वायर्ड तो कंप्लीट कर देना, और मुझे जहां तक लगता है कि प्रोसेस आपके लिए इजी हो जाएगा प्रेफर ऐप से लोन लेने का। इस एप्लीकेशन का नाम है प्रेफर, ठीक है। और जहां तक बात करते हैं इस एप्लीकेशन तक पहुंचेंगे कैसे, तो जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करके कॉमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना और बताएंगे इस एप्लीकेशन के बारे में थोड़ी बहुत और जानकारी। जैसे वीडियो देख रहे हैं जिसके नीचे टाइटल है, टाइटल पे क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा जिसके अंदर आपको मिलेगी वेबसाइट लिंक, सबसे पहले आपको इस पर जाना है। लिंक पे क्लिक करते ही लोन पाव डॉट इन के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप पहुंचोगे, जहां पर मिलेगी तमाम तरीके की कैटेगरीज। इसमें आपको ऐप लोन की कैटेगरी पे या पर्सनल लोन की कैटेगरी और बहुत सारी कैटेगरीज जहां पे आप ये चीज को आइडेंटिफाइड कर सकते हो कि भाई कि हमें जो लोन लेना है, जिस कैटेगरी वाइज लोन लेना है, वो हमें उसके लिए कैटेगरी को चूज करना पड़ेगा। पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि डायरेक्टली सर्च पे जाओ और जिस प्लेटफॉर्म से हमें लोन लेना है वो है प्रेफर, वो हमें यहाँ पे सर्च करना, हमारे सामने रिजल्ट आएगा कि प्रेफर क्रेडिट ऐप से लोन कैसे लें। हाँ, इसका पहले पूरा नाम था प्रेफर क्रेडिट, लेकिन अब क्रेडिट हट चुका है, वहां से अब से प्रेफर ऐप आपको दिखता है। तो यहाँ पे आपको आर्टिकल पे आना क्यों है पहले वो समझ लो, यहाँ पे इस लोन ऐप के बारे में, क्योंकि आज की डेट में आपको पता है ऑथेंटिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लोन एप्लीकेशन कितना बढ़िया है, कितना रुपए का लोन मिल जाएगा, कितने दिनों के लिए लोन मिल जाएगा, कितने ब्याज पे मिल सकता है, कौन कौन ले सकता है, किस दस्तावेज पे, और अप्लाई कैसे करेंगे, मेन सेगमेंट यहाँ पर है। और भी बहुत सारी जानकारी कि भाई लोन एप्लीकेशन मैक्सिमम लोन रेंज कितना देगा, और जो नहीं मैं चीज बता पाया इस प्रेफर क्रेडिट एप्लीकेशन के बारे में, वो यहाँ पे आपको आपको जानकारी मिल जाएगी, जिसको आप हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो, ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो पूरी जानकारी को आप लोग पढ़ लेना, और यही है पूरा लोन अप्लाई करने का प्रोसेस जो हमने बता दिया है। एप्लीकेशन को पाने के लिए विजिट का लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करके थ्रू द प्ले स्टोर, क्योंकि ये गूगल प्ले स्टोर की लिंक है, तो वहां पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो सीधा प्रेफर क्रेडिट एप्लीकेशन में पहुंचेंगे। सबसे पहले इस एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है और फिर लोन अप्लाई करने का प्रोसेस तो मैंने बता ही दिया है।
कोशिश करूंगा कि और ज्यादा चीजें बेटर हो सके तो नेक्स्ट वीडियो में और ज्यादा इंप्रूव करके इसी टॉपिक पे वीडियो लाया जाए। लेकिन इस बारे में जो भी आपकी राय है या कभी आपने लोन लिया इस एप्लीकेशन से पहले भी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं।